जो महात्म्य है वो महाशिवरात्रि का क्या महात्म्य है उस पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि शिवरात्रि पर कैसे भगवान शिव की आराधना की जाए कि उससे मनोवांछित फल मिले और साथ साथ दुख दारिद्र दूर हो। आज हमने ये जो विशेष कार्यक्रम रखा है उसमें इस पूरे परंपरा को, जिसको कहें हमारी सालों से जो परंपरा चली आ रही है कि कैसे भगवान शंकर की पूजा होती है और उसका क्या विधि विधान है, ये जानने के लिए हमने विद्वान पंडित निलिम त्रिपाठी जी को बुलाया है और वो हमें बताएंगे कि देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन ज्योतिर्लिंग का महत्व क्या है, और अगर मैं शुरू से जानना चाहूँ आपसे कि अगर सोमनाथ जी तो इनका क्या महत्व है, ये थोड़ा सा दर्शकों को और बताएं। हाँ हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रथमतः ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथन च, सौराष्ट्र में सोमनाथ है। एक बार चंद्रमा का विवाह दक्ष की 27 कन्याओं से हो गया, लेकिन चंद्रमा रोहिणी को बहुत प्रेम करते थे, अन्य 26 की उपेक्षा होती थी। उनने जाकर अपने पिता से कहा कि ये न्याय नहीं कर रहे हैं। दक्ष ने कई बार समझाया, फिर अंत में चंद्रमा को शाप दे दिया कि तुम्हारा शरीर गलित हो जाए, गल गल के तुम नष्ट हो जाओ, यक्ष्मा रोग हो जाए। तब ओम नमः शिवाय का जप करते हुए चंद्रमा ने सौराष्ट्र में, गुजरात में जाकर के जब वो जप करने लगे हैं, तब भगवान शिव शंकर अंत में प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि जैसे तुम 15 दिन घटे हो, अब तुम 15 दिन बढ़ोगे भी, और अब उस समय से चंद्रमा निरंतर 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। यही उनका चंद्रत्व और शीतलता उनमें सदा विद्यमान रहती है। जिसे किसी को भी कोई रोग हो जाए, शारीरिक पीड़ा हो जाए, यक्ष्मा रोग हो जाए, अथवा असाध्य कष्ट हो, वो सोमनाथ में भगवान शिव शंकर की जब समाराधना करते हैं तो वे निरोग हो जाते हैं। सोमेश्वर महादेव की जय। अगर मैं बात करूं मल्लिकार्जुन की, तो इनका क्या महत्व है, और जैसा आपने ये कथा सोमनाथ जी के बारे में बताई, तो मल्लिकार्जुन जी जो शिवलिंग है उनका क्या महत्व है? जी, श्री शैले मल्लिकार्जुनम, श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन विद्यमान है। प्रथमतः तो यह हुआ था कि गणेश जी और कार्तिकेय जी, सभी देवता मंडल कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती के समक्ष थे। तो यह हुआ लोक पूजित कौन होगा, विवाह किसका पहले किया जाएगा। तब सभी ने परिक्रमा करनी प्रारंभ की। इस धरा की, इस ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा का लक्ष्य रखा गया। मयूर पर बैठ करके मयूरेश्वर भगवान कार्तिकेय ने गति से प्रारंभ कर दी परिक्रमा, लेकिन गणेश जी ने अपने मूषक को कहा, मूषक तैयार था ये निकलते, लेकिन ऋषियों के संकेत से, प्रासादिक भाव से ये हुआ कि भाई माता पिता ही तो ब्रह्मांड हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता को प्रणाम अर्चन वंदन पूजन करता है, उसको ब्रह्मांड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साक्षात देवता हैं। तो गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर लिया, माँ ने आशीर्वाद दिया, गोद में बिठा लिया। कार्तिकेय जब 7 परिक्रमा करके आए तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो ये सब मामला हो गया, वे खिन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आज से कैलाश का परित्याग करता हूँ और मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक रहूँगा, मैं विवाह नहीं करूँगा और मैं जा रहा हूँ। और वे दक्षिण चले गए श्री शैल पर्वत पर। जब वे वहाँ चले गए और कभी लौट के जब कैलाश नहीं आए, माँ का हृदय, पिता का हृदय अपनी संतान के प्रति अधीर हो उठा। तब कहते हैं कि हर पूर्णिमा और अमावस्या पर पार्वती जी और शिव जी वहाँ जाने लगे। इनकी यह महत्ता है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर किसी के घर में संतान बाधा हो, या पुत्र से प्रेम न हो, या पिता पुत्र के बीच में कोई वैचारिक मतभेद हो, तो वो मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन कर ले, तब उसके घर में वो दोष समाप्त हो जाता है। माँ जाती हैं एक दिन वहाँ मल्लिकार्जुन के दर्शन करने, फिर पिता जाते हैं, और इस तरह पिता पुत्र के बीच में सौमनस्यता हो गई। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। बिल्कुल। अगर मैं तीसरे ज्योतिर्लिंग की बात करूँ तो महाकाल, तो इनका क्या महत्व है? ये तो बहुत ही सुंदर है। महाकालेश्वर भगवान, इस ब्रह्मांड की अगर कोई नाभि है तो नाभि में भगवान महाकालेश्वर विद्यमान है। एक वैधव्य युक्त एक महिला थी जो विधवा थी, उसका एक ही उसकी संतान थी,
घर का भरण पोषण कुछ इस तरह था कि केवल एक गाय थी जो दुह करके दूध मिलता था, वही विक्रय करके घर चलता था। लेकिन वो माता पुत्र और माँ भगवान शिव के भक्त थे, पार्थिव शिवलिंग बनाते थे। एक बार गर्मी के दिन थे, पुत्र ने माँ के देखा सीखी पार्थिव शिवलिंग बनाया और लिपट करके उससे शीतल शीतल कितना आनंद हो रहा था। उस छोटे से शिशु ने भगवान शिव का पिंड बनाकर लिपट करके जैसे ही उसका स्पर्श किया, उसको आनंद हुआ, नींद लग गई, वो सो गया, ओम नमः शिवाय कहते कहते सो गया। सायंकाल हो गया, गाय को दुहने का समय हो गया, माँ ने कई बार आवाज़ दी, बच्चा आया नहीं। तब माँ जा करके उस बच्चे को झपटते हुए हाथ पकड़कर खींची है कि उठो चलो, गाय को दुहने का समय हो गया। लेकिन शिव जी भी मानो उस बच्चे के आलिंगन में अभिभूत थे। जैसे ही माँ ने हाथ पकड़ के खींचा, उस पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए और उदात्त तो उस समय आकाशवाणी हुई, गर्जना होने लगी। भगवान शिव शंकर ने त्रिशूल उठा लिया कि जैसे अभी माँ को मार देंगे, लेकिन बच्चे ने भगवान शिव शंकर के पैर पकड़ लिए और कहा, ये मेरी माँ है, इन्हें न मारिए। तब भगवान शिव शंकर उस अबोध बालक के स्पर्श से इतने गदगद हुए कि वे वहां महांकालेश्वर के रूप में सदा के लिए विद्यमान हो गए। जो कोई भी अपने जीवन में प्रेम, आनंद, अलौकिक ऐश्वर्य, वैभव, समृद्धि चाहता है, वो महांकालेश्वर भगवान की शरण में जाता है। बोलिए महांकालेश्वर भगवान की जय। और अगर हम बात करें ओंकारेश्वर की, तो इनका क्या महत्व है, क्या विशेषता है? एक बार पर्वतों में भी बड़े होने और छोटे होने का भाव जगा। विंध्य पर्वत ने सोचा मैं बहुत महान हूँ, लेकिन देव ऋषि ने कहा कि अरे तुम कहाँ मकाम महान हो, ठूठ की तरह खड़े रहते हो। उसने आकर के यहाँ पर भगवान शिव शंकर की प्रार्थना की, शिव जी प्रसन्न हो गए और वहाँ ओंकारेश्वर में एक पर्वत ही ओंकार का बन गया। और यहाँ पर एक तरफ ओंकारेश्वर और एक तरफ परमेश्वर, जिन्हें ममलेश्वर कहते हैं, वे दो भगवान दो भागों में विभक्त हो गए और माँ नर्मदा वहाँ से बीच से बहने लगी। कहते हैं कि अगर कोई नर्मदा जी के उत्तर तट पर बैठ करके हरिवंश पुराण का या नर्मदा पुराण का वाचन कर ले तो संपूर्ण विश्व में शांति हो जाती है, अलौकिक ऐश्वर्य की वर्षा होने लगती है। ओंकारेश्वर वह स्थान है कि अगर कोई ब्रह्मांड की शुद्ध और सत्व चेतना चाहता हो और श्री वृद्धि चाहता हो, ज्ञान चाहता हो, स्वयं भगवान शंकराचार्य भी दक्षिण भारत में पैदा हुए लेकिन ओंकारेश्वर में आके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। मैं तो संपूर्ण विश्व को इस बात का संकेत करता हूं कि चाहे कई राष्ट्रों के युद्ध हो, लेकिन अगर ओंकारेश्वर के उत्तर तट पर आकर के वहां नर्मदा पुराण और हरिवंश पुराण, शिव पुराण जैसे कथा हो जाए तो संपूर्ण विश्व में शांति हो जाएगी। बिल्कुल। वैद्यनाथ जी की अगर हम बात करें तो इनका क्या महत्व है? बहुत ही सुंदर बात है। रावण तो भक्त था भगवान शिव शंकर का, लेकिन अहंकारी था। यह अहंकार व्यक्ति को बहुत छोटा बना देता है। वो भगवान शिव शंकर को अपने घर लाना चाहता था कि आप चलिए हमारे साथ दक्षिण में, हमारे श्रीलंका में चलिए, लेकिन भगवान जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि भक्त के पराधीन तो भगवान होते हैं, लेकिन पूर्णतः वो चाहे कि वो मेरे ही कस्टडी में रहे, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने कुछ ऐसा किया कि वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में रावण के साथ चल तो दिए, पर उन्होंने कहा कि अगर तुम कहीं रख दोगे तो फिर मैं वही प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। कहते हैं वो वैद्यनाथ भगवान वहां तक आए थे और फिर रावण को कुछ नित्य क्रिया का इतना वेग आया कि उन्होंने किसी व्यक्ति को दे दिया चरवाहे को कि तुम थोड़ी देर तक संभालो, मैं अभी आया। और भगवान शिव ने अपना भार बढ़ा लिया, जैसे ही भार बढ़ाया उस ग्वाले ने वहाँ रख दिया, और जैसे ही वहाँ रख दिया भगवान वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। भगवान वैद्य रूप में वहाँ विद्यमान है। कभी भी कोई पीड़ा हो, कष्ट हो, दुख हो और ये नित्य नैमित्तिक क्रिया में अवरोध हो, तो वैद्यनाथ भगवान के दर्शन करने से जीव को आनंद और पूर्ण शरीर की स्वास्थ्य प्राप्त होता है। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय।
अगर मैं बात करूं भीमा शंकर जी की, तो इनका क्या महत्व है? ये भीमा शंकर जी भी बहुत ही सुंदर स्थान है। रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था, और वो भीम सुदूर दक्षिण में अपने माँ के साथ रहता था। माँ ने बताया कि ऐसा है कि तुम्हारे पिता और संपूर्ण कुल का नाश ये राम जी के माध्यम से हुआ है, तो उसके मन में हरि के प्रति वैर भाव जग गया, और जो भी हरि भक्ति करता था वो उसकी हत्या कर देता था। उसी तरह से, लेकिन शिव जी का भक्त था, उसी प्रार्थना करने पर उसको त्रैलोक्य का मानो वो शासन करने लगा था। एक बार की बात है कि एक राजा जो बड़े प्रतापी थे, नित्य पार्थिव शिव पूजन किया करते थे, उसने जीत कर उन्हें कारागृह में डाल दिया, और कारागृह में वो अपना अभिषेक करते थे। देवताओं ने जाकर के भीम से ये कह दिया कि वो तुम्हारे विनाश के लिए जो कुछ कर रहे हैं, यंत्र मंत्र तंत्र कर रहे हैं, तुम्हारे चित्त को आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ यंत्र कर रहा है। देखो, जाकर के जैसे ही भीम ने कारागृह तोड़ करके पार्थिव शिवलिंग को तोड़ा है, भगवान शिव शंकर उससे प्रकट हो गए। शत्रुनाश के लिए जब कोई भी व्यक्ति भीमा शंकर भगवान के दर्शन करता है, तो उसके जीवन में मांगल्य प्रकट होता है। बोलिए भीमा शंकर भगवान की जय। अगर मैं बात करूं रामेश्वर जी, तो रामेश्वरम की क्या कथा है? जब भगवान श्री राम सीता जी की खोज में दक्षिण सुदूर जाने लगे, तब समुद्र के तट पर उन्होंने ये देखा कि मैं रावण से जीत नहीं पाऊंगा, मैं मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूँ, ये इसने कैलाश उठा लिया था, और मैं तो भगवान शिव शंकर का भक्त ही हूँ, ये तो संपूर्ण त्रिभुवन का स्वामी है, इसके ग्रह नक्षत्र इसके वश में है, ये महाराज है, और मैं तो अभी युवराज भी ठीक से नहीं हुआ हूँ, मैं तो न जीत पाऊँगा। तब अगस्त्य मुनि आते हैं और उनको वहाँ पर तमाम उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है कि जो भगवान शिव हैं, भावी हूँ मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव शंकर सब कुछ कर सकते हैं, आप भगवान शिवलिंग का पूजन करें। शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान श्री राम नित्य पार्थिव पूजन बना करके शिव जी का पूजन करते थे, वहाँ पर उन्होंने बालुका के शंकर जी बनाए हैं, और जैसे ही बना करके उनका अभिषेक पूजन किया है, मानो विजयश्री का तिलक हो गया है। कभी भी कोई व्यक्ति विजय प्राप्त करना चाहता हो, तो रामेश्वरम भगवान के, राम जी के जो ईश्वर हैं वो शिव हैं, और उनको प्रणाम करे, उनका नाम ले, तो उसके जीवन में विजय प्राप्ति होती है। बोले रामेश्वरम भगवान की जय। और बात करें नागेश्वर भगवान की, तो ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की क्या कथा है? ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सुदूर समुद्र के मध्य में एक ऐसा स्थान है, जहाँ पर एक डाकिनी योगिनी नाम की एक ऐसी महिला दिव्य थी, जो संपूर्ण पर्वत सहित कहीं उड़ जाया करती थी। एक स्थान जो पार्वती के द्वारा अभिरक्षित था, वो वहाँ रहती थी, लेकिन किसी के ऊपर मारण, मोहन, उच्चाटन, ऐसी कोई क्रिया की गई हो, किसी के ऊपर कोई दोष लगा हो, तो वो अगर नागेश भगवान के दर्शन कर लेता है, तो उसके जीवन में जो काल सर्प इत्यादि तमाम दोष होते हैं, जो 12 करकोटक इत्यादि नाग होते हैं, उनकी जो किसी से कभी कोई नाग की हत्या हो गई हो, किसी तरह का कोई उसके ऊपर प्रभाव हो, उस प्रभाव के नष्ट के लिए, उसे शमन करने के लिए, और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए नागेश भगवान की आराधना वर्णन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। नागेशम दारुका वने, वो दारुका नाम की वो जो स्त्री थी, उसको ये आशीष दिया भगवान शिव शंकर ने कि मैं, जो कोई तुम्हारे इस वन में आएगा, मेरी आराधना करेगा, मैं उसके ऊपर के तमाम शाप, ताप, अभिशाप दूर कर दूंगा। बोलिए नागेश भगवान की जय। और बात करें काशी विश्वनाथ की, तो इनका क्या महत्व है? भगवान शिव शंकर विश्वेश हैं। भगवान शिव शंकर अगर परिवार के साथ रहते हैं, तो वो वाराणसी में रहते हैं, और समाधि में रहते हैं, तो वो कैलाश में रहते हैं। इसलिए वो विश्वेश, विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान शिव वहाँ पर काशी में, मानो गंगा जी चंद्रमा की द्वितीया की कला की तरह हैं,
और वहाँ उस सुंदर वाराणसी परिक्षेत्र में जो कोई जाता है, भगवान उसको विश्व का भरण पर पोषण करने का सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की मैं बात करूँ तो उनका क्या महत्व है? ये जो त्र्यंबकेश्वर है, त्रयम अम्बकम यस्य सः त्र्यंबकेश्वरः, माने वहाँ भगवान शिव जो उनका स्मरण तीन नेत्र वालों के रूप में होता है। एक भगवान शिव का नेत्र सूर्य है, एक चंद्रमा है और एक अग्नि है। वहाँ त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव शंकर की पिंडी नीचे की ओर है, धरती के नीचे की ओर एक गड्ढा है जिसमें तीन देवता विद्यमान है। कभी वहाँ जा करके त्र्यंबकेश्वर में गौतमी तटे, गौतमी नदी के उस तीर्थ क्षेत्र में जब हम वहाँ स्पर्श करते हैं तो नीचे तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता विद्यमान हैं। अर्थात संपूर्ण सृष्टि की जो सामर्थ्य है वो तीनों देवताओं के रूप में जहाँ अगर कहीं प्राप्त होती है तो वो त्र्यंबकम गौतमी तटे, वो गौतम जी की दरअसल वहाँ गौतम ने आराधना की थी। उस समय बड़ा अकाल पड़ा, उस अकाल के कारण कहीं वर्षा नहीं हुई, तो शताधिक वर्षों तक जब वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने वरुण की प्रार्थना की। वरुण ने एक छोटा सा कहा कि मैं यहाँ पर गड्ढा कर देता हूँ, गड्ढा करिए जिसमें एक अक्षय जल होगा। उसमें अक्षय जल आ गया उस, और सभी लोग जब आ गए, गौतम ऋषि सबको जल देने लगे तो स्त्रियों में आपस में विवाद हो गया। विवाद के कारण उन पर झूठा आरोप लगा। झूठे आरोप के लिए जब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की तो शिव जी प्रसन्न हो गए और वहाँ पर अक्षय आनंद का आशीर्वाद दिया और फिर बड़ी वर्षा हुई, संपूर्ण सृष्टि में भरण पोषण होने लगा। इसीलिए हम त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और बात करें अगर हम केदारनाथ की तो इनकी क्या कथा है और इन्हें क्यों ये सबसे बड़ा दर्जा जो मिला है वो क्यों मिला है? हिमालय पर भगवान केदारेश्वर केदारनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पांडवों ने वहाँ आराधना की थी और पांडवों के द्वारा पूजित भगवान शिव शंकर वहाँ हैं। यह भी कहते हैं कि जब उनसे तमाम हिंसा हुई, गुरु की हिंसा हुई, पितृजनों की हिंसा हुई, लेकिन शिव जी की आराधना करने लगे और भगवान शिव जी एक बार वहाँ पर एक विकराल भैंसे का भी रूप बनाकर प्रकट हुए, लेकिन वो आशीष नहीं देना चाहते थे। तब भगवान शिव शंकर ने जब पहचान लिया पांडवों ने और उनको पकड़ना चाहा तो वो भैंसे के रूप में वहाँ से भूमि में प्रवेश कर गए, जिनका मुख कहते हैं पशुपतिनाथ नेपाल में है और पीछे पूंछ और पिछला हिस्सा केदारेश्वर भगवान के रूप में वहाँ विद्यमान है। केदारखंड में भगवान की नित्य सत्ता मानी गई है और वहाँ के घंटा कर्ण जो है वहाँ के भैरव हैं और वहाँ सिद्धि के लिए, साधना के लिए, तपश्चर्या के लिए, अंतःकरण के पावित्र के लिए और लोक मंगल के लिए केदारखंड में भगवान समाधि रूप में समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए साधनारत रहते हैं। बोले केदारेश्वर भगवान की जय। और बात करूँ घुश्मेश्वर की तो ये जो ज्योतिर्लिंग है इनकी क्या कथा है और इनका क्या महत्व है? ये बहुत ही सुंदर बात है। एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी, बहुत ही भगवान की सेवा पूजा करके रहते थे, लेकिन उनके घर संतान नहीं हो रही थी। जब संतान नहीं हो रही थी तो वो बहुत दिनों तक व्याकुल रहे, प्रार्थना अर्चना वंदना करते रहे, लेकिन जब संतान नहीं हुई तो ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि मेरी छोटी बहन है, उसका नाम है घुष्मा, अगर आप उससे विवाह कर लें तो वो हमारे घर आएगी, मुझमें डाह नहीं होगा, सपत्नी भाव नहीं जगेगा और वो दासी की तरह हम लोगों की सेवा करेगी और उससे संतान हो जाएगी तो हमारा कुल बढ़ेगा। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा न कराओ, बाद में तुमको ईर्ष्या होने लगेगी, ऐसा मत कराओ। लेकिन वे ब्राह्मणी मानी नहीं, अपनी छोटी बहन घुष्मा से पंडित जी का विवाह करा दिया। उनके यहाँ एक बालक हुआ, लेकिन बालक जब अपनी माँ को माँ कहता था तो इन्हें अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे मन की दूरी बढ़ती गई, जीवन में दूरियाँ जब बढ़ने लगती हैं तो फिर पीड़ा बढ़ने लगती है, क्रोध बढ़ने लगता है, तनाव बढ़ने लगता है और जब वो बढ़ते बढ़ते एक चरम पर पहुँचा
तब तक उस बच्चे का विवाह हो गया था, लेकिन उसकी बड़ी माँ ने रात्रि को सोते हुए अपने उस छोटी बहन के पुत्र के शरीर के खंड खंड कर दिए, धारदार औजार से पूरे शरीर को काट डाला और काट कर एक वस्त्र में लपेट कर उस सरोवर में जाकर डाल दिया जहाँ घुष्मा रोज पार्थिव शिवलिंग बना करके विसर्जन किया करती थी। सवेरे जब वो पार्थिव शिवलिंग बना करके और फिर विसर्जन करने गई, उसे अपने पुत्र के नहीं रहने का कोक शोक किंचित मन में था। उसकी आंखों से एक अश्रु की बूंद, एक आंसू सरोवर में टपक गया। कहते हैं उस सरोवर में अग्नि की ज्वालाएं जलने लगी, भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए और अपने हाथ पर उस छोटे से बच्चे को पकड़ करके ले आए साथ में और हाथ घुष्मा के हाथों में दे दिया। किसी के भी कोई संतान के ऊपर बाधा हो, कोई बहुत बड़ा कष्ट हो, तब वो घुष्मेश्वर महादेव का दर्शन करे तो उसके जीवन में वो बाधा वो दुख दूर हो जाता है। शिव जी ने कहा कि अब मैं त्रिशूल से तुम्हारी बड़ी बहन को मार दूंगा, उसने तुम्हारे बच्चे को मारा है। तब घुष्मा तो पैरों में पड़ गई, उसने कहा कि नहीं आप मत मारिए, नहीं तो मेरे पुत्र के नहीं रहने का जो शोक था वही मेरी बहन के नहीं रहने का शोक होगा। अगर आपको मारना है तो उसकी खराब बुद्धि को मारिए, उसकी कुटिलता को मारिए, उसके मन में ऐसा वैर भाव नष्ट हो जाए, ऐसा आशीष करिए। भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा मेरा भक्त ऐसा ही होना चाहिए, उदार होना चाहिए, दिव्य भव्य भाव से युक्त होना चाहिए। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि बोले घुष्मा मैं तुम्हारे नाम से यहाँ ज्योतिर्लिंग में रूप में सदा प्रतिष्ठित रहूंगा। बोलिए घुष्मेश्वर महादेव की जय। अगर मैं बात करूं यहाँ दर्शकों की और भक्तों की, तो आज के दिन कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए और इसका समय काल कुछ तय है? भगवान शिव शंकर की पूजा तो कभी भी करें, वो शुभ ही शुभ है। भगवान की पूजा में सामान्य रूप से जो भी हो, आग का, धतूर का, बिल्व पत्र का प्रयोग करना है, विजया का प्रयोग करना है, दधि का प्रयोग करना है, दूध का प्रयोग करना है, घृत का प्रयोग करना है, यहाँ तक कि शत्रु नाश के लिए तेल से भी अभिषेक किया जाता है। शत्रु नाश यही नहीं है कि कोई व्यक्ति न रहे, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य रूपी शत्रु विद्यमान है। अगर हम तेल का अभिषेक करते हैं तो हमारे अंदर से भी वो जो शत्रुता का एक कांटा लगा है वो निकल जाएगा, और जैसे ही कांटा निकल जाएगा हम स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस, ईख इक्षु रस से भगवान शिव शंकर का अभिषेक किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए दुग्ध से अभिषेक किया जाता है, ऐश्वर्य वैभव प्राप्ति के लिए, समृद्धि के लिए दधि से अभिषेक किया जाता है, और लोक मंगल कल्याण के लिए जल से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक से तात्पर्य है कि भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है, अर्थात उनमें अग्नि है, ओज है, तेज है, ताप है, और उस ताप में हम अगर जल डालते हैं तो भगवान को शीतलता का अनुभव होता है। प्रत्येक व्यक्ति का मन मानस किसी न किसी अग्नि से जल रहा है, चाहे वो कामाग्नि से जल रहा हो, चाहे ईर्ष्याग्नि से जल रहा हो। तब हमें भगवान की कृपा किस रूप में प्राप्ति होती है? जब कोई साधक, कोई सात्विक हृदय का व्यक्ति हमारे ऊपर शब्दों का भावाभिषेक करता है, ज्ञानामृत का अभिषेक करता है, तो चित्त प्रसन्न हो जाता है। बिल्कुल। और मैं बात करूं अगर जैसे पूजा अर्चना की ये जो विधि बताई वो आपने है, आजकल एक परंपरा सी चल गई है कि साहब भांग है, नशे की वस्तुएं हैं, ये क्या अभी अभी आई हैं कुछ ही सालों में, या फिर वाकई पुराणों में इनका वर्णन है कहीं? दरअसल इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि भगवान शिव शंकर कल्याण रूप है। हम जो स्वीकार करते हैं वही भगवान को भोग लगाते हैं। जो व्यक्ति जो स्वीकार कर सकता उसका भोग लगाए। अब भगवान शिव शंकर ने तो विष भी स्वीकार कर लिया, तो क्या विष का भोग लगाकर विष स्वीकार करेंगे? तो जो व्यक्ति जितना सामर्थ्य हो उसी अपने सामर्थ्य, अपनी चेतना, अपने गुण, अपने विचार, अपने कुलशील के अनुसार भगवान का पूजन करे, और जो जिस चीज से पूजन करता है वो प्रसाद रूप में वही प्राप्त होता है। जिसके अंदर जो होगा वही वो बाहर निकालेगा, और जो बाहर निकालेगा वही उसको पलट करके मिलेगा।
और ये जो एक भंडापन सा चल गया है कि पूजा अर्चना तो अपनी जगह है पर अब डीजे की धुन पर और तमाम जिसको कहें उदम मच रहा है और जो एक मर्यादा है उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं कुछ लोग, तो ये भी उचित है क्या किसी? मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान को सब अपने हिसाब से पूजते हैं। जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं वो सत्व से पूजते हैं, और जो पशु प्रवृत्ति के हैं वो उनको उसी में आनंद आता है। किसी व्यक्ति को अगर किसी गंदे में ही अच्छा लगता है तो वो घूम फिर के पूपवन में भी टहला दो, लेकिन अंत में जाकर के वो जब तक वहां नहीं बैठ जाएगा उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी चेतना से अपने ईश्वर को भाव से भजता है। तामसिक प्रवृत्तियों का तो जिसको कहें त्याग करना ही चाहिए, और भगवान का जो जाप है वो शुद्ध अंतःकरण से करेंगे तो ज्यादा बिल्कुल फल भी उसका यही है कि जो जिस भाव से करता है उसका फल मिलता है, लेकिन सत्व की ओर बढ़े। सज्जनों का ये धर्म है, उनका कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति उस मार्ग में नहीं है तो उसको प्रेरित करे, उसको बताए समझाए। गुरु इसीलिए गुरु हैं कि वे जिनको ज्ञान नहीं है उनको उपदेश करें, जिनको ज्ञान है उनको ही बार बार उपदेश देने का क्या अर्थ है, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है उन तक वो चीज हम पहुंचाएं, यही सबका धर्म है, यही कर्तव्य है, यही लोकोन्मुखी होना है। जो भरे पेट है उनको खिलाने का क्या अर्थ है, जो खाली पेट हो उन्हें खिलाइए, जिसके पास जो वस्तु न हो उसको दीजिए, यही दान का महत्व है। जिनके पास है उनको क्या देने का अर्थ है, लेकिन आदर सबका करें, किसी के प्रति कटुता न बोई जाए। बिल्कुल। और ये थे नीलम त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमें न केवल सारे ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया बल्कि ये भी बताया कि पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, साथ साथ इस महाशिवरात्रि पर ये भी संकल्प लें कि लोक का कल्याण हो और साथ साथ हम मर्यादा में भी रहें और ईश्वर जो है उसको सर्वोपरि मानते हुए शुद्ध अंतःकरण से अपनी बात ईश्वर के सामने रखें, और ये भी ध्यान रखें कि उससे समाज का या पूजा अर्चना की विधि का किसी तरह से हास ना हो। न्यूज़ ऑब्जर्वर के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा, आप बने रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर के साथ।